आतंकी हमले को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 8 साल पहले मुंबई में एक साथ कई जगह पर हुए इन आतंकवादी हमलों में 170 लोगों की जान चली गई थी। आज भी वो भयानक दिन याद करके लोग कांप उठते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर मृतकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पानीपत की धागा फैक्ट्री में लगी आग जिसमें लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चला। जब एसडीएम पानीपत विवेक चौधरी ने से बात हुई तो उन्होंने बताया कि धागा फैक्ट्री है शायद एवीएस नाम से, उसमें आग लगी है। तो यहाँ पे लगभग 6 के अराउंड जो है डेड बॉडीज आई है और 2 का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल। क्रैच में भी बच्चे नहीं है सुरक्षित। नवी मुंबई से आई एक वीडियो ने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा बच्चा किसी आया के हाथों में सुरक्षित है। देखें पूरी रिपोर्ट। नवी मुंबई में एक आया ने आज 10 महीने की बच्ची को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा क्योंकि वो रो रही थी। बाद में मामला सामने आने पर पुलिस ने आया और उसकी संचालिका को गिरफ्तार कर लिया है। सिलीगुड़ी में चाय वर्करों ने नोटबंदी के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा हम सब इस नोटबंदी से परेशान हैं।